दिल्ली के अंदर बदलाव की आंधी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने पूरी कमर कसी हुई है। हमें समय सबोली वार्ड के अंदर और हमारे बीच में सुंदरी प्रजापति और ओम प्रकाश प्रजापति जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। घर घर जा रहे हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। जनता भाजपा के कुशासन से तंग आ चुकी है जी। गलियों की सफाई नहीं हो रही, स्कूलों की हालत बुरी है, जो प्राइमरी स्कूल हैं जो स्टैंडर्ड में आते हैं एम सी डी के अंडर में, डिस्पेंसरी का बुरा हाल है, ये भी एम सी डी के अंदर आता है, जो एम सी डी के अंदर काम आता है उसमें कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ तक कि किसी पार्षद की शिकल को कोई जानता नहीं है, पार्षद जाकर देखता नहीं है। ओम प्रकाश जी, आप कह रहे हैं पार्षद को कोई जानता नहीं है, लेकिन अगर हम दिल्ली सरकार की ही बात करें, कल आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जनमत करा शराब की नीतियों को लेकर के, उस पर आपका क्या कहना है? भाई साहब, ये यही काम करेंगे, जनमत ही करेंगे और क्या करेंगे जी। शराब की नीतियाँ मॉडिफाई करी गई हैं, पहले से कम ठेके हैं, पहले पब्लिक को लाइन में लगना पड़ता था, अब ठेके पहले से बहुत कम हैं। जो शीला सरकार में ठेके थे रोड पर लाइन लग जाती थी, अब लाइन नहीं लगती है और उसके मुकाबले ठेके बहुत कम हैं। पब्लिक के लिए फैसिलिटी दे रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और भाजपा को बुरा लगता है। हमारे विधायक जी ने और सतेंद्र जैन जी ने परसों शिवंज पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है, 18 करोड़ की लागत से। कल हमारे विधायक जी ने फ्री शिविर कनेक्शन का उद्घाटन किया है हर्ष विहार में और सबौली एक्सटेंशन में। हमारे विधायक जी रोज उद्घाटन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उद्घाटन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन। हाँ जी, ये विरोध प्रदर्शन में लगे रहेंगे क्योंकि इनको दिख रहा है कि हमारी सरकार गई, अब नहीं रुकने वाली, नहीं रुकने वाली। हाँ, सरकार नहीं रुकेगी इनकी, अब सरकार तो एम सी डी से खत्म है जी, और आने वाले टाइम में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो ये लोकसभा से भी खत्म होगी, हमारे केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सुंदरी गहलोत जी, आप भी घर घर जा रही हैं, महिलाओं में क्या परिवर्तन की दिख रही है लहर? बहुत प्यार मिल रहा उनका हम आप लोगों को। वही बात करें, झाड़ू हाथ में ले लिया आपने जी, झाड़ू का निशान है तो झाड़ू हाथ में जी, इससे भाजपा का सफाया करना है हमें जी, और सभी को झाड़ू पे बटन दबाना है, सभी आम आदमी को जी। ओम प्रकाश जी, अगर हम बात करें सबौली वार्ड की, दावेदार भी बहुत है जी, क्या कहेंगे? भाई साहब, दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन पार्टी टिकट इसी को देगी जिसकी छवि अच्छी होगी जी, जो यहाँ का निवासी होगा जी, जी, जो वार्ड के बारे में सब कुछ जानता होगा, यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं जी, सच्चे सिपाही को टिकट देगी। देखने में आ रहा है कि बाहर के लोग भी आकर इस वार्ड के अंदर कूद चुके हैं, कोई भी आ सकता है, ये तो उनका अधिकार है, कहीं भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो परिवार बढ़ता जा रहा है। परिवार तो बढ़ेगा कि पंजाब में सरकार बनने वाली है, गोवा में बनने वाली है जी, और देखो अब 10 तारीख में क्या होता है, 10 तारीख के चुनाव खुलने के बाद ये लोग घबराए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव टाले जाएं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो लोगों से क्या अपील करेंगे? आम आदमी की बात करें तो लोगों से अपील करने की जरूरत नहीं, लोग खुद जागरूक हो चुके हैं जी। उनको DTC में महिलाओं को फ्री में यात्रा मिल रही है जी। और जो स्कूल की बहुत अच्छी व्यवस्था हो चुकी है, जो बच्चे पहले सरकारी स्कूल में पढ़ते थे आज उनको जो प्राइवेट में, हाँ जो प्राइवेट में पढ़ते थे उनके नाम कटवा के लोग बाग सरकारी में एडमिशन करा रहे हैं जी, जी। रीजन बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, जो दिल्ली सरकार के स्कूल हैं उनमें। देखने में आ रहा है कि दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने टीचरों को बाहर विदेशों में भेजा भी है। हाँ, उनको बाहर की जो टेक्निकल है उसको यहाँ ला रहे हैं ताकि हमारे यहाँ के बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए ना जाना पड़े। तो ये थे हमारे बीच में ओम प्रकाश प्रजापति और सुंदरी प्रजापति जी, इनका कहना है कि सबौली वार्ड के अंदर भी बदलाव की लहर निश्चित रूप से तैयार हो चुकी है, हाथों में झाड़ू ले ली है और झाड़ू लेने के साथ साथ अपील कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं कि बटन दबाएं झाड़ू का। फैसला जनता ने करना है कि क्या ये बदलाव होकर के रहेगा, मगर बदलाव की आंधी है, रुकेगी नहीं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ भारत TV के लिए राहुल शर्मा।